पक्का कंफर्म? क्या बात है, कल से काल करे सो आज करे सो अब। जिंदगी एक बार मिली है तो उसको खुल करके जियो और उसका अच्छे से ध्यान रखो। बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? अब ये मत बोल देना कि क्या ड्रेसिंग सेंस है। नहीं ठीक है, अच्छा है। बट ये हिमाचली कमरी पहननी जरूरी थी आपको? जैकेट में फिर गर्मी लगेगी ना, तो लोग बोलेंगे पागल है। इतनी भी वो नहीं है, गर्मी नहीं आई। अच्छा ये लो, ये खाओ प्रसाद लो। पहले मुंह मिठा करो फिर घर से बाहर निकलो। आप भी खाओ। जय हो भगवान जी। बाबा जी क्लियर हो जाए। आज गाइस इनका इंटरव्यू है, सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा से करना इंटरव्यू, ठीक है? बाबा जी ब्लेस यू। बोलो, मेरा नाम रोशन करके आना। चलो जल्दी आना, ठीक है? हाँ आज तो बात ही करके आऊंगी, देखो क्या बात बन जाए तो बेटर है। इतने माथे टेक के जा रही एक इंटरव्यू देने के लिए। चाबी 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 चाबी। चलो 2000 years later. हे भगवान, डरा दिया मेरे को आपने। क्या मैं भूत नहीं हूँ? भूत भी नहीं, मैं तो सोचा आप नहीं है यहाँ पे। इतनी बड़ी बैठी हुई नहीं देखी तुम्हें? ये नहीं लग रहा मम्मी, बाद में लगा दूँगा। ये टूट गया मुझसे। इतनी बड़ी बैठी हुई नजर नहीं आई। अरे नहीं, मैं सोचा आप गए हुए हो। मैं तो अभी नहा करके आई थी, मैं एकदम से डर गई। खत्म। क्या हुआ फिर, एनी गुड न्यूज? लग गई जॉब तो। लग गई? लग गई पक्का कंफर्म? क्या बात है। कल से 9:30 to 6:30। चल ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है। बोल दे मम्मा को कांग्रेचुलेशंस। संडे को छुट्टी, बस एक छुट्टी। संडे अच्छा, जितने भी संडे आएंगे। यार मैंने कल तो दांतों वाले के पास जाना था डॉक्टर के पास। तो आप बोल देना ना उनको कि पहले मैं एक बार दांत दिखा लेती हूँ। बोले बुढ़ापा आ गया मुझे, पहले दांत दिखाने ज्यादा जरूरी है। नहीं पता क्या ना, हॉस्पिटल वाले तो फिर चक्कर लगवाएंगे। नहीं तो एक बार तो दिखा दो एटलीस्ट, दांत एक बार दिखा दो ना। बोलेंगे अभी तो बात करके गई, अभी से इसके स्टार्ट हो गए ना। करे नहीं बोलना, ठीक है मेरे को एक दिन दे दो आप, एक दिन तो आप दिखा ही लो ना। या मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट से आती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है? पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सो कोई बात नहीं, कर लो आप ज्वाइन अगले हफ्ते पे, मत टालो। नहीं मैं फर्स्ट से बोलती हूँ। आज कितनी हो गई, 28 तो हो गई। तो कल फर्स्ट ही तो है। कल कहाँ फर्स्ट? परसों, मतलब परसों फर्स्ट ही तो है। अच्छा तो फरवरी। हाँ तो कल का दिन ले लो, परसों से स्टार्ट कर लो। मैंने नहीं खानी बासी सब्जी। तो बना दी क्या आप? तो ही बनाएगी तो पहले खाना। मैं तो हूँ, मैं बाद ही घंटे की छुट्टी मिलेगी सिर्फ खाने का। गुड जॉब। तीन दिन पुरानी सब्जी है, परसों बनाई थी बैंगन की सब्जी, और अभी बोल रहे हो वो कौन सी बासी सब्जी है, खा ले उसके साथ। तो क्या हो गया परसों रात को ही तो? हाँ तो क्या हो गया, यही होता। तो क्या हो गया, मुझे नहीं खानी बासी। खा ले आ रहे हैं। नहीं वैसे हेल्थ खराब रहती है। खराब थोड़े ना दे रही हूँ मैं। खराब नहीं दे रहे हो, मुझे बासी नहीं खाना मम्मी, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। मतलब परसों जो बनाया है, नहीं वो नहीं तो कल जो बनाया उसके साथ खा लो, है ना? जो वो मसाला बनाया ना तुमने, वो तो खराब नहीं होता ना, उसको तो चाहे एक हफ्ता रख लो। देख लो गाइस उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। का चूचू कर रहा है? चूचू क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है चूचू? तूने भी किमी किमी लगानी है। मम्मा को क्रीम लगाने देना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल हो गई है। गाइस सेल्फ केयर करनी चाहिए, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जिंदगी एक बार मिली है तो उसको खुल करके जियो और उसका अच्छे से ध्यान रखो। बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और खुद को लाइफ में प्रायोरिटी देना सीखो, लाइफ में खुद को इंपॉर्टेंट देना सीखो। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि खुद की केयर करना सीखो। जय जय से हेलो हेलो
से हेलो इधर, हेलो करो, हेलो सबको, अपनी आईज़ दिखा दो भाई, सब पूछते रहते हैं जोजो की आईज़ कहाँ हैं, जोजो की आईज़ कहाँ हैं। गाइज ये रही जोजो की आईज़, उधर देख ऊपर, इधर इधर, मेरा बच्चा। अभी नहीं डालना अम्मा, अभी नहीं, इतनी ठंड। डाल दो मैं? डाल दो। क्या खाना? किस बात का गुस्सा है जोजो, किस बात का, किस बात का गुस्सा है? अभी गोदी में लिया था ना, अभी प्यार किया था ना। क्या चाहिए? What do you want? जाना भी नहीं। क्या चाहिए? आजा बेटा। मैंने गोदी में भी उठाया था इसको। आजा। पता नहीं क्यों क्यों डांट रहा है मुझे? क्यों डांट रहा है? आजा आजा आजा। क्यों डांट रहा मम्मी ये मुझे? मुझे ना। क्यों डांट रहा है ये मुझे? मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आजा ना। चल चलो 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 चलो। अच्छा गोदी आना है। गोदी भी नहीं आना, नहीं आना, गोदी आना, लेकिन गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, ईगो भी है भाई, मेल ईगो। गाइस ये कल ना मैंने पोड़ी राइस बनाने की कोशिश करी थी, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश साइड के लोगों का ना ये डिश है पोड़ी घी राइस, तो कोशिश तो करी थी मैंने, बट ज़्यादा कुछ खास बना नहीं। इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इसमें अरहर की दाल डाली है, उड़द की डाली है, एंड और कौन सी डाली है, चने की दाल डाली है, बाकी लहसुन डाला है और हरी मिर्च और क्या, घी, लाल मिर्च, ये सब पूरा, मतलब अनियन भी, तो ये सारी मिक्स करके ना उसको पूरा ग्राइंड कर दिया, चटनी जैसा बना दिया। लेकिन मतलब जैसे मैं वीडियोस में देखा था या जैसे वो लोग बनाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी खाना, मतलब मुझे तो साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लाइक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो लोग जो बनाते हैं वो तो बहुत अच्छा बनता है, बट ये मुझसे इतना कुछ खास बन नहीं पाया, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाया, बट या अदरवाइज़ ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। सो गाइस अभी आ गई हूँ मैं छत पे धूप सेकने के लिए, हालांकि अभी तो शाम हो गई है और धूप जाने वाली है। ऊपर आने के लिए रो रहा था ये, इसको भी धूप सेकनी थी, इसलिए बोल रहा था मम्मा मेरे को लेके चलो, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरे को ऊपर जाना है, धूप भी सेकनी है, मुझे भी मजे करने हैं। ये देखो इसके मजे, लाइफ तो बेटा तेरी है, तेरी है लाइफ, तो हमारी लाइफ तो झंड है, असली लाइफ तो तेरी है, मस्त जिंदगी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जैसे लेट लोत पोत कर रहा है, ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है लोगों से, सबसे प्यार मिलता है, सभी मुझे प्यार करते हैं। अच्छे गर्म किया बेटा तूने कोई पिछले जन्म में, मंजा लगाना मंजा, कुर्सी नहीं, जो जो साइड हट जा, आएगा तू मंजे के नीचे ना फिर पता चलेगा तुझे। सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, देखना ये मंजा लगते सबसे पहले ये बैठेगा, लगने भी नहीं देगा ये तो, ये अभी तो मंजा लगा भी नहीं, सबसे पहले ये बैठ गया, वेट रहती है इसको। मुझे ना दियो बनाने वीडियो, ठीक है तू ही कर ले मेहनत, सारी दुनिया की मेहनत तो यही करता है। यार मेरे नेल्स का पता नहीं क्या हो रहा, पेन नहीं है मुझे इसमें कुछ भी, दिखाओ क्या हुआ। ये ना पता क्या होता है, जब आप टाइट शूज पहनते हो ना आगे से, आप पहनते हो ना वो सैंडल से पहनते हो टाइट से, तो उसकी वजह से ब्लैक हो जाते हैं, मेरे भी हुए थे, अब ये धीरे धीरे लंबे होंगे, फिर उसके बाद ये जब आप काटोगे तो ये निकलेंगे, ऐसे होगा। ज़्यादा टाइट मत पहना करो ना, जो अपना साइज़ है पैरों का वो पहना करो। टाइट तो मैं पहनती हूँ। 5 नंबर पहनते हो आप, तो वही साइज़ है मेरा, तो 5 नंबर तो मैं पहनती हूँ, मेरे पतले पतले से पैर हैं, आपके इतने मोटे पैर हैं। सो गाइस तो ऐसा है कि जब ना मैं भगवान की दया से अच्छा कमाने स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि अब मैं मम्मा से ना जॉब नहीं करवाऊंगी, मम्मा पहले जॉब करते होते थे, लेकिन जब मैं अच्छे से सेटल हो गई और जब मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, तो फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं ना अब मैं मम्मा से कभी भी जॉब नहीं करवाऊंगी, मम्मा बिल्कुल चिल करेंगे एंड अच्छे से लाइफ जियेंगे अपनी और बिल्कुल रेस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पैंडमिक आ गया और वैसे भी मतलब एक रूटीन सी जो थी वो पूरी ख़राब हो गई, तो मम्मा ऐसे पूरा घर में फिर कुछ भी नहीं होता था कि वही सुबह उठो घर के काम करो और फिर मोबाइल में घुसे रहो और फिर सो जाओ, यही काम था, तो ऐसे ना रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा ना काफ़ी डिप्रेसिव फेज़ में आ गए, मतलब डिप्रेशन में आ गए थे उस टाइम पे, मैं भी दूर थी, मैं भी शायद पुणे में थी ना उस टाइम पे, फिर दैट्स व्हेन शी जॉइंड दिस राधा स्वामी कम्युनिटी, तो उस टाइम के बाद लाइक शी इज़ हैप्पी, तो मम्मा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तो ऐसा था। तो
फिर उसके बाद तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया था, तो मम्मा का रूटीन फिर से सेट हो गया। फिर से मम्मा सुबह उठते थे, तैयार होते थे, जाते थे, लेकिन अब फिर से हमने बिज़नेस को हमने सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो अभी मम्मा का रूटीन ना फिर से वैसा हो गया। तो मम्मा का ऐसा है कि अगर मम्मा काम करते रहे तो मम्मा की एक रूटीन सेट हो जाती है, अच्छे से मेंटेन खुद को भी कर लेते हैं, एंड दिल भी लगा रहता है, एंड लाइफ भी काफ़ी प्रोडक्टिव सी फील होती है। ऐसा नहीं लगता कि हम लाइफ ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, है ना, एक्टिव सा रहता है इंसान। और जब मम्मा के पास कुछ नहीं होता करने के लिए तो मम्मा काफ़ी मतलब ऐसे डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, और ऐसे कुछ भी मतलब बोरिंग सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड ऐसे लगता है कि लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर रहे, प्रोडक्टिव सी भी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है और एक्टिवनेस तो पूरी चली जाती है। तो फिर बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। फिर उसके बाद उल्टी सीधे ख्याल आने, उल्टी सीधी बातें सोचनी। तो फिर मैंने इसलिए बोला कि ठीक है, इट्स योर चॉइस, अगर आपको जॉब करनी है तो आप कर लो, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि मम्मा थोड़े से बिज़ी रहेंगे, मम्मा का एक रूटीन रहेगा अच्छे से, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, सब कुछ चीज़ें रहेंगी। तो या तो इसलिए शी वॉज़ रेडी, एंड इसलिए मम्मा ने अभी जॉब ढूंढी, वहाँ पर गए, इंटरव्यू दिया, एंड क्लियर हो गया। तो अभी शायद से कल से ये परसों से मम्मा ज्वाइन कर लेंगे। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर नहीं करनी है जॉब तो मत नहीं, करो। नहीं, टाइम पास हो चाहे तो बढ़िया से। हाँ मतलब मैं, मेरी तरफ से कोई आपको वो नहीं है कि आप, वो तो मुझे पता है, तुम तो कभी भी नहीं बोलोगी मुझे। हाँ कोई बात नहीं, अगर मतलब ऐसा है, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप एक्टिव रहो लाइफ में। हाँ। देखना मतलब जब से ये सलोन करा ना, पहले तो मम्मी फिर भी ध्यान रखती थी, अभी ध्यान से देखना मम्मी के सफ़ेद बाल क्यों छुपा रहे हो, ये दिखाओ। हाँ तो ये जब पूरा ध्यान रखती थी मम्मा पहले, लेकिन जैसे ये कुछ नहीं होता ना करने के लिए, फिर उसके बाद मम्मा फिर से ऐसी हो जाती हैं, मतलब फिर से अपना ध्यान रखने छोड़ देती हैं। तो लाइफ में बिजी रहना भी ज़रूरी है। देखो तेरे दांत, मेरे दांत तो नहीं खराब। मम्मी पता है कुत्तों का भी ब्रश आता है। हाँ यार इसका कभी ब्रश, मैंने वीडियोस में देखा है कुत्तों को भी ब्रश आता है, इसका ना ब्रश लेकर के इसके भी ब्रश किया करो, दांत साफ किया करो। नहीं तो इसके गिर जाएंगे दांत जल्दी, इनका डेंटल हाइजीन पूरा मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मैं धूप में थोड़ा सा सो लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ, और आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आज का व्लॉग कैसा लगा। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, और मेरे को और मेरी जोजी को ढेर सारा प्यार देना, है ना जोजी? हाँ जोजी भी बोल रहा है। बाय।